सर आए थे हमारे इलाके बलूचिस्तान में, तो मैंने कहा सर मुझे तालीम चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे आपको जहाँ पे भी पढ़ना है पाकिस्तान में आपको तालीम मुफ्त मुहैया होगी। सर इधर एजुकेशन ही नहीं है सर, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आला तालीम हासिल करूँ सर, ताकि मैं कुछ बड़े वादे पर अपनी माशरे की मदद कर सकूँ, अपनी गरीब लोगों की, अपनी भाइयों की, अपनी बहनों की, अपनी माँ की मदद कर सकूँ सर। पर यहाँ एजुकेशन का मसला है सर, इधर कुछ भी नहीं है। अगर सरकारी स्कूल है जिसमें हम जाएंगे, आपने अभी तक जितनी तालीम हासिल की पर कहाँ घर पे से की? हाँ सर बस थोड़ी टीचर की मदद से, ट्यूशन भी साथ साथ नहीं पढ़ता हूँ सर। इसमें से क्या है आला तालीम को डीपीएस में दाखिल करना है या जहाँ पर भी ये बच्चा चाहे फ्री एजुकेशन ऑल द वे अप? तो सर ने फिर मेरा एडमिशन लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी में करवाया, अब मैं वहाँ पढ़ता हूँ। तो आज हम लोग उनसे मिलने आए हैं, तो मैंने उन्हें इन्विटेशन भेजी थी कि सर आप मुझे मुलाकात दे दे, तो उन्होंने मुझे मुलाकात दे दी। चले आए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या रे काम है बेटा, बोल रहे हो? जी सर आपके लिए। अच्छा मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, शाबाश शाबाश शाबाश, बड़ी खुशी मिल रही है आपसे। कौन से क्लास में? सर अब नाइन्थ में पढ़ रहा हूँ। नाइन्थ में जी। तो आपने कहा था मैं टॉप करूँगा, टॉप किया कि नहीं किया? जी सर वो बोर्ड हो रहा है इंशाल्लाह, 20 को मेरा बोर्ड का पेपर है, कोशिश तो यही है सर। आजो शाबाश आजो। फिर से है चल पड़ा। मुझे याद है वो जब सैलाब आया था 2022 में आया था आपके पास, तो खेमे में आपसे मुलाकात हुई थी और मुझे आपने कहा कि मैंने बात करनी है करें, तो आपने कहा कि यहाँ पर तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो मैंने तालीम हासिल करनी है जी सर। तो बस मैंने फ़र्ज मेरे मुँह से निकला कि आप को मैं ले चलता हूँ जी सर, तो आपको मैं तालीम इंशाल्लाह अच्छा इंतज़ाम कराता हूँ। तो आपने कहा जी मैं फौरन चलता हूँ जी सर, तो आपके घर वालों ने आपको इजाज़त दे दी, तो आज ये मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप लॉरेंस कॉलेज में नाइन्थ क्लास में पढ़ रहे हैं जी सर? जी सर। तो ये अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला, मुझे भी सर बहुत खुशी हुई कि आप इसके साथ मिलूँ, तो आपको मैंने इन्वाइट किया था कि आप मुझे मुलाकात दे दें, आपने मुझे मुलाकात दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मुझे भी ये ख्वाहिश था कि आप दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाएँ, ताकि मेरे जैसे और भी हज़ारों लोग थे, हज़ारों स्टूडेंट्स थे जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे बेसिकली, तो मैं कहा कि एक ही सर है जो इन जैसे गरीब और हज़ारों बच्चों को आप मदद करते हैं बार बार, तो मेरा ये दिली ख्वाहिश था कि आपके साथ मुलाकात हो जाए। आपको मुबारकबाद दे दूँ सर, आपको मुबारक हो सर बड़ी मेहरबानी बेटा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने का एक बार फिर से। और ख्वाहिश है सर कि पाकिस्तान मज़ीद फ्यूचर में भी आप पाकिस्तान के लिए अच्छा ही करेंगे, और मेरा भी ख्वाहिश है सर ताकि मैं बड़े होकर अपना गोल हासिल कर सकूं, वही जो मैंने वादा आपके साथ किया था, अपने लोगों के साथ किया था कि फ्यूचर में अपने मुल्क के लिए खिदमत करूँगा। तो माशाल्लाह, तो आप अब लॉरेंस कॉलेज में जी अपना छुट्टियों में जाते हैं बलूचिस्तान अपने? जी सर जी सर जाता हूँ जी। तो घर वाले पर क्या आप पूछते हैं? पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी जा रहा है, मैं कहा अच्छी जा रही है, तो पूछते हैं कि मेहनत करनी है आपने या अपने वादा नहीं भूलना जो अपने पीएम साहब के साथ किया था और जो हमारे साथ किया था। मैं कहा इंशाल्लाह कोशिश पे करता हूँ। आपके इम्तिहान कब है जी? इम्तिहान 20 मार्च को सर, बोर्ड का पहला पेपर है। बोर्ड का पहला पेपर जी सर। तो आपने मुझे ये कहा था मैं पूरी कोशिश करूँगा जी सर, जी सर मैं टॉप पोजिशन हासिल करूँगा इंशाल्लाह सर। मेरी दुआ है बेटा अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और टॉप पोजिशन हासिल करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, आला तालीम हासिल करके, आला नंबर्स हासिल करके, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप की दुआओं से आपको अल्लाह ने ये मौका दिया है आपको लॉरेंस कॉलेज में तालीम का। मैं तो एक वसीला बना करने वाला तो अल्लाह ताला की ज़ात है, मगर माँ बाप की दुआएं हैं। तो मुझे देख कर आपको बहुत खुशी हुई है, और आपको एक नसीहत करूँगा कि बस खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और काबिल बनो, और जितने भी आपकी तालीम के ऊपर अखराजात उठेंगे ये हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह उसको खुशी से उसको कबूल करेगी, ताकि आप
आला से आला तालीम हासिल करें, फिर अगर बाहर जाएं अच्छे नंबरों के साथ, बाहर की यूनिवर्सिटियों में जहाँ भी जाएँ, अल्लाह मौका दे, इंशाल्लाह आपकी तालीमी खर्चात हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि अच्छे काबिल होनहार आप जैसे करोड़ों बच्चे और बच्चियाँ इस मुल्क में जो कि इस मुल्क का एक हमारा मुस्तकबिल भी हैं और हमारी उम्मीद भी हैं इंशाल्लाह। तो लॉरेंस कॉलेज में गेम्स भी खेलते हैं? जी सर। स्पोर्ट्स? जी सर। क्या क्रिकेट और फुटबॉल? फुटबॉल जी सर। और क्या? क्रिकेट फुटबॉल खेलता हूँ स्पोर्ट्स में, और साथ साथ सर लॉरेंस कॉलेज में हमारे अखलाक किरदार पर हमारे प्रिंसिपल साहब हमारे साथ आए तो हमें जी सर, तो वो हमारे साथ इखलाक पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं सर। यानी पहले जब मैं था और अब जो मैं आपके सामने हूँ, आप खुद मेरे अंदर चेंज फील कर रहे होंगे कि यानी सर कॉलेज में मैं आया था तो कुछ और था, अब आया हूँ तो कुछ और हूँ, मज़ीद करूँगा कि मैं अपने आप में मज़ीद एबिलिटी लाऊँ। मैंने तो यही चेंज देखी है कि वहाँ पर आप एहतजाज के मूड में थे, आप थोड़ा सा गुस्से में थे, आज आप बहुत तामिल से बहुत अच्छी तरह बड़े सुकून से बात कर रहे हैं। मैंने बहुत बड़ी चेंज देखी है। खैर वो हालात थे सैलाब के, जाहिर है कि वहाँ पर बहुत घर तबाह हो गए थे, तो यकीनन हर बेटे और बेटी को परेशानी तो थी उन दोनों में, कोई शक नहीं। लेकिन आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बड़ी अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, बड़े यानी यकीन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख कर। तो आपके प्रिंसिपल आए हुए हैं? जी सर। जी सर। उनको बुलाते हैं, प्रिंसिपल साहब को बुलाएं जी। वेरी नाइस टू सी यू अगेन सर, एंड वेरी नाइस टू मीट योर पीपल। और प्रिंसिपल सर देख लिया मुझे आलम साहब। हाउसमास्टर, ही इज द एचओडी ऑफ मैथमेटिक्स आल्सो। जी सर। मुझे मिला तो उसने कहा कि मैंने आपसे बात करनी है, मैंने कहा मुझे बताएं, और कोई बात नहीं, यहाँ पर तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं है और मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कोई स्कूल नहीं, पता नहीं कितने कई मील दूर है और पैदल जाना पड़ता है और वहाँ पर टीचर्स नहीं आते। तो मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलो, आप पढ़ोगे, मैं आपको ले चलूँ, फिर मुझे आप ले चलें साथ। तो फिर उसी शाम मैंने या अगले दिन उनको मैंने वहाँ से गवर्नमेंट को कहा, वो उनको लेके आए। पंजाब में जो हाई अचीवर्स थे, जब मैं वहाँ था पंजाब में, तो न सिर्फ पंजाब के बल्कि पूरे पाकिस्तान के हम हाई अचीवर्स का एक बैच हर साल बनाते थे, एवरी ईयर। और उनको हम यूरोप की जो बेहतरीन दर्शगाहें हैं लाइक हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में उनको भेजते थे। तो वो बच्चे जब जाते थे, मैं उनको ख़ुद लाहौर एयरपोर्ट सी ऑफ किया करता था, तो जब वो वापस आते थे, देयर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टोटली ट्रांसफॉर्म, टोटली। वो जब वापस आते थे तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और मुझे उन्होंने कहा जी कि हमने वहाँ पर जाके उनके यूनिवर्सिटीज़ के अपने उनके जो स्टूडेंट्स को टीचर्स को मिले हम, तो हमने कहा कि भाई ये अगर ये अचीव कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते। तो डैट रियली गेव देम ह्यूज इंस्पिरेशन एंड इनक्रेजमेंट। तो इस तरह के इंशाल्लाह फेडरल लेवल पर भी हम इंशाल्लाह ये प्लान बनाएंगे और चारों सूबों से। तो अगर आपकी मेरिट पे अगर आपकी बारी आई लॉरेंस कॉलेज तो आप भी जाएंगे, और अगर मेरिट में ना आई तो फिर मुश्किल होगा। नहीं सर, आ जाएंगे। ये है, याद रखना बेटा, और इस मुल्क में अगर तरक्की करनी है तो तालीम, तालीम और तालीम। सर हमारे कुछ बुकलेट स्पेशली लेके आए सर, ने हर गैलियन को देते हैं, तो स्पेशल मैं आपके लिए भी लेके आया हूँ जो सर ने खुद बनाए हमारे लिए। अच्छा, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ गैलियन कोड ऑफ ऑनर है। अच्छा, एक गैलियन क्या है, क्या अच्छा, होनी चाहिए, क्या खूबियाँ गैलियन में है। तो दूसरा जो हमारे साथ है, एटिकेट्स एंड मैनर्स। अच्छा, जो जिसमें आप बहुत सारे हमारे और इंग्लिश और उर्दू दोनों में, और इख्तलाफ राय, एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट।
जो सर ने बनाए थे, और इसमें जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये आप सल्लम की ज़िंदगी के बारे में हमारे साथ, तो मैं सोचा आपको शेयर करा लूँ। आप बड़े अच्छे तरीके से इस कलम का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आगे लेके जाएगा। ये आपको जिंदगी में आपका बहुत बड़ा ये साथी होगा आईपैड। शाबाश। हिम्मत का निशान, जिद्दत का कारवां, ए नौजवान हो जुड़।